साथियों को जय भीम। साथियों, कुछ दिनों से हम मोनी जी का सबका साथ सबका विकास देख रहे हैं। पूना से लेके सहारनपुर तक और फिर सहारनपुर से लेके बुलंदशहर तक और आज दिल्ली पहुंच गया। पूना के अंदर चार दलितों को मारा जाता है। वो चार दलित कौन थे? जो मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे, उनको मोदी जी के संगी गुंडे पकड़ते हैं, चारों को नंगा करते हैं, हाथ पैर बांध के पीटा जाता है और उनसे कहा जाता है जैसे तुम इनकी खाल उतार रहे थे ऐसे ही हम तुम्हारी खाल उतारेंगे। उन संगी गुंडियों ने, उन आतंकियों ने, उन संगी आतंकियों ने उनको मारते हुए ये शब्दों का इस्तेमाल करा था। तो ये मोदी जी का विकास हम सबको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। फिर आ जाइए आप पुणे से लेकर सहारनपुर तक। सहारनपुर के अंदर क्या हुआ सबने देखा, सच्चाई सबके सामने है, सबके आंखों देखी सच्चाई है। वहाँ क्या हुआ, चंद्रशेखर अपने समाज के लिए काम कर रहा था, अपने समाज को शिक्षा की ओर लेकर जा रहा था, लेकिन होता क्या है वहाँ, उसको टारगेट किया जाता है, झगड़ा होता है, चंद्रशेखर के ऊपर रासुका लगा दी जाती है। रासुका किस बिहाफ पे लगा दी दी जाती है? वो धरना कर रहा था कि जो दलित बस्तियों को जलाया गया है, दलित घरों को जलाया गया है, उनको उनके इंसाफ के लिए। उसके साथ अन्याय क्या होता है? उसके साथ अन्याय ये होता है कि पहले उसको पुलिस थाने बुलाती है, थाने बुलाने के बाद उसको जेल भेज देती है, जेल भेजने के बाद उसके ऊपर जो चार धाराएँ लगाई जाती हैं, चार धाराएँ लगाई जाती हैं, उसके बाद उसकी जमानत हो जाती है कि कुछ दिन पहले चंद्रशेखर की जमानत होने के बाद जिस दिन जमानत होती है, कोर्ट कहता है कि सियासी इसके ऊपर जो है धारा लगाइए सियासी तौर पे, जो एक दलितों को टारगेट किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बुलंदशहर में एक गर्भवती महिला कूड़ा उठाने जाती है, दलित महिला, खाने के बर्तनों को उसका हाथ लगा दिया जाता है, उसको इतना मारते हैं गर्भवती महिला को कि वो महिला। तो ये मोदी जी का सबका विकास सबका साथ ये सब हम लोगों को दिखाई दे रहा है। दलित युवक मेरठ में मूछ रखता है, मूछ रखने के बाद वो ऊपर कर लेता है, उसको मारा पीटा जाता है, उससे कहा जाता है कि तू मूछ रखेगा, कौन लोग मारते हो उसे? मोदी जी के संगी गुंडे। एक दलित युवक उत्तर प्रदेश के अंदर सफेद कपड़े पहनता है और अपने घर से बाहर निकलता है, मालूम है ना ये बात सबको? ये नहीं मालूम, आप लोगों को तो मालूम होनी चाहिए कम से कम। सफ़ेद कपड़े पहनकर वो बाहर निकलता है, उसको मारा पीटा जाता है, उससे कहा जाता है तू सफ़ेद कपड़े पहनेगा। ये लोग अब ये डिसाइड कर रहे हैं, ये लोग हमें ये दिखा रहे हैं कि देखो तुम सफ़ेद कपड़े मत पहनो वरना हम तुम्हें मारेंगे, तुम मूछ मत रखो हम तुम्हें मारेंगे, तुम गाय की खाल मत उतारो हम तुम्हें मारेंगे। जो हालत आज दलितों की है उससे बुरे हालात आज मुसलमानों के हैं, और जो हालात मुसलमानों के उससे बुरे हालात दलितों के हो रहे हैं। पिछले तीन साल में, साढ़े तीन साल के अंदर जो कुछ हम सब देख रहे हैं, तो वो एक बहुत हिंदुस्तान के लिए, हम लोगों के लिए एक बहुत शर्म की बात है। बाहर दूसरे मुल्कों के अंदर क्या मैसेज जा रहा है, बड़े शर्म की बात है। और हम लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा, आज लोग ठीक है, आज लोग आए हैं, लेकिन मैं ये अपील करूँगा आप लोगों से कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग सड़कों पर उतरें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें चंद्रशेखर की आज़ादी के लिए। जय हिंद।